तो दे दो और रिव्यू तो दे दो, कैसी लगी? बेकार, देखने आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए दूसरों को ना। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अभी बज रहे हैं सुबह के 10, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया आज उठने में। तो आज मंडे है और आज चढ़ाना है जल, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। तो फिलहाल सजल और मैं जा रहे हैं जल चढ़ाने मंदिर में, पास में ही है, गली के सामने जस्ट। जल चढ़ा के भी आ गए। तो आज हम जा रहे हैं सिंधारा देने के लिए, बुआ जी के यहाँ देते हैं ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं किचन में मम्मी पापा। देखो पूरी यहाँ सीख चुके हैं, देखो कितनी सारी, और अभी चल रही हैं और पूरी सीख रही हैं, और बाकी मट्ठी और घेवर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और आलू की सब्जी ये सब भी तैयार करेंगे। घेवर और मट्ठी तो बाहर से लाएंगे, अभी चलेंगे लेने के लिए। और सजल कर रहा है यहाँ पर अपना ट्यूशन का होमवर्क। गुड सजल, कीप इट अप। फिलहाल मैं ऊपर आया था कमरे में, फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया तो मैंने डायरेक्ट ट्रांसफरिंग पे लगा दिया है। तो अब बस नाश्ता करूँगा, फिर बहुत सारे काम करने करके जा रहे हैं सामान लेने के लिए बाजार। तो देखो कितना बड़ा थैला ले लिया। पापा जी जा रहे हैं मेरे साथ, या मैं जा रहा हूँ पापा जी के साथ। मैं जा रहा हूँ पापा जी के साथ। घेवर लेने के लिए आ रखे हैं यहाँ पर, पापा जी ने ऑर्डर दे दिया। मट्ठी भी कर दी, नमक वाली। सामान ले लिया, देखो कितना सारा मेरे हाथ में, पूरा थैले, दो दो थैले हो गए बारी बारी। अब बाइक पे रख के लेके जाने हैं। थैंक यू। तो आ गए घर पर, बस तैयार हो गया। देखो मैं शर्ट बदली, बस मैंने लोअर में चलूँगा यार, काफ़ी गर्मी है ना, तो कंफर्टेबल रहता है ग्लोवर में। अब बस सामान रखते हैं कार में और जल्दी चलते हैं। आज भीड़ भी होगी काफ़ी, क्योंकि आजकल बाइक वाली कावड़ बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हाँ संभल के चलना पड़ेगा। तो अब चलते हैं। तो गाड़ी निकालता हूँ मैं ही निकालूंगा, आज अकेला ही हूँ, कोई और गाइड करने वाला भी नहीं है। बैठते हैं अंदर। ऑल सेट। तो सब बैठ चुके हैं कार में, मम्मी जी भी चल रही हैं और पहले नहीं जा रही थी। बाय। बर्थडे मम्मी जी, आज मम्मी जी का बर्थडे भी, और हमें पता भी नहीं था, मम्मी जी को खुद नहीं पता था, हम भूल गए थे, हम सब भूल गए थे। तो फिर आज मम्मी जी का बर्थडे भी है, तो मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे मम्मी जी। और मम्मी जी ने आज नया सूट भी पहना है अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में, लेकिन मम्मी जी को खुद ही, हाँ मम्मी जी खुद ही याद नहीं था कि मम्मी जी का बर्थडे है। बड़ा जाम लग रखा था, तो फिर हम मामा जी के गांव के शॉर्टकट रास्ते को आए, खेतों वाले रास्ते को। तो इधर खेत ही खेत है, तो इधर कोई भीड़ नहीं है, अब आराम से मामा जी के यहाँ पहुँच जाएंगे। हम पहुँच चुके हैं मामा जी के यहाँ पर, अब चलते हैं अंदर, मिलते हैं सबसे। पहले हम मामा जी के आए, फिर चलेंगे बुआ जी के यहाँ। तो बैठे हैं फिलहाल सभी, नाना जी नानी जी अंदर, मामी जी है। दो ढाई घंटे लग गए, सारे। तो अब चलते हैं मौसी जी के यहाँ, फिर जाएंगे बुआ जी के लास्ट में सिंधारा लेके। तो पहले मौसी जी के जाने का प्लान था, लेकिन अब जा रहे हैं पहले बुआ जी के यहाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि बुआ जी के यहाँ सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो मौसी जी के तो वो बाद में होते हुए जाएंगे। तो बस हम गाँव में पहुँच चुके हैं बुआ जी के, और दीदी के यहाँ भी दे के आना है मुझे सिंधारा, तो पहले बुआ जी के दूंगा, फिर जाएंगे दीदी के यहाँ। तो आ गए बुआ जी के यहाँ, चलते हैं अंदर, सामान निकाल लेते हैं पहले। हाँ मतलब सामान निकाल लेते हैं पहले, भूल गया था कि सामान भी इतना सारा। ये देखो कितना सारा सामान, बाप रे, वाह क्या सन्नाटा है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते दीदी जी। वो क्या कर रहा है, हमारी याद नहीं आई क्या? वाह क्या मुस्कुराहट है। तो दीदी ले आई है यहाँ पर चिप्स, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, 2 टाइप्स ऑफ नमकीन। वाह थैंक यू दीदी। तो अब खाना आ चुका है, खाना खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आलू पूरी, चावल, पनीर, और ये अरबी, और रायता भी है, और साथ में नाशपाती भी है। तो बहुत सारी चीजें खाना खाते हैं आराम से। बता दिया गया है दीदी को। तो ये देखो दीदी ने 3 चॉकलेट दी है सजल, मेरे और दायरे भाई के लिए। थैंक यू दीदी। बुआ जी के यहाँ से चल लिया, हम जा रहे हैं मौसी जी के यहाँ। तो अभी 3 बज चुके हैं, 5 बजे मुझे मूवी भी जाना है, जाना पड़ेगा। और अभी भी इतना अच्छा रिकॉर्ड कर रहा था मैं, देखा क्या रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हुई। तो हम मौसी जी के यहाँ पहुँच चुके हैं, चलते हैं अंदर। मौसी जी नमस्ते। अंदर अंधेरा सा हो रहा है यहाँ तो। नमस्ते मौसी जी। चलते हैं घर पर रुड़की, क्योंकि फिर जाना मुझे दोस्त के साथ मूवी देखने, मज़ा आएगा। समसेरा देखते हैं कैसी मूवी है। जल्दी चलता हूँ मूवी देखने के लिए, टाइम हो चुका है। बाइक निकालते हैं बाहर और चलते हैं। तो हम पहुँच गए आर आर सिनेमा, और काफ़ी ये तो खाली ही पड़ा है पूरा का पूरा, तो कोई लाइन भी नहीं है। आ जाओ भाई। तो वैष्णव है, अक्षत है और प्रशांत भी है, हम 4 आए हैं। हाँ भाई ठीक है, चलो आओ टिकट करवा देते हैं। तो ये रहा देखो समसेरा का पोस्टर, 3D है आज तो पूरे। ऑडी 2 में है ना? हाँ ऑडी 2। ओके तो मूवी स्टार्ट हो गई। भाई भूख लग रही तो ले लेना, फिर ले ले अक्षत। ओ अक्षत ले 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 ले। कैसी लग रही इंटरवल तक? खत्म खत्म। इन्हें ऐसी लग रही कि दूसरे पिक्चर देखने के लिए राजी हैं अभी के अभी। तो मूवी खत्म हो चुकी है, हम चलते हैं घर पर। तो दे दो रिव्यू, तो दे दो कैसी लगी? बेकार, देखने आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए दूसरों को ना। भाई इतनी अच्छी नहीं लगी तो अपने रिस्क पे ले देखने आना इसे। तो हम ओरिगेनो आया है, यहाँ पे कर दिया हमने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर, और बाकी सबको भूख लग रही थी तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि ये जिम वाले बंदे ये ज़्यादा नहीं खाते, डाइट पे रहते हैं, और ये खा लेते हैं। और ये तो कभी चढ़ता ही नहीं इसका तो मांस। तो मैं आ गया घर, और सजल भी अभी अभी आया है जस्ट जिम से। तो बाकी पापा जी टीवी देख रहे हैं और धैर्य भाई भी। मूवी सही थी, इतनी अच्छी नहीं थी भाई, एक तरीके से थिएटर में देखने लायक मूवी नहीं है। लेकिन यार लास्ट में एक सस्पेंस, मतलब एक सस्पेंस था, वो भी इतना वो नहीं कि छोड़ दिया वो अगली मूवी के लिए। तो कह रहा कि आखिरी में एंडिंग सही कर दी फिर भी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल अपने सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।